तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि बड़े हो गए। तो एक और नया दिन और एक और नई शुरुआत के साथ हम आ गए। तो आज के ब्लॉग में हम जाने वाले हैं मुंबई, वो भी कार से। तो क्यों जा रहे हैं वो मैं आने वाले टाइम में अभी बताता हूँ। तो आप लोग भी एक्साइटेड हो गए क्योंकि बारिश बहुत हो रही है और आपका तो पता ही है कि मुंबई से कितना बढ़िया, मतलब नेचर, मतलब कितनी सारी ग्रीनरी होती है और व्यू तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो ट्राई करूँगा आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बहुत ही बढ़िया व्यू दिखाने को और मज़ा कराऊँगा। तो दिखते हैं मुंबई में क्या सीन्स है। तो अभी ज़्यादा बोर नहीं करता हूँ, सीधे चलते हैं हम हमारी मंजिल की तरफ। फाइनली गाइज, हम लोग निकल चुके हैं भरूच से और हम लोग अभी सिटी में हैं। सिटी में से हम निकलते हैं हाईवे की तरफ और ये है न्यू बनाया हुआ ब्रिज, नर्मदा मैया ब्रिज, और बहुत ही अमेजिंग है गाइज। गाइज हम लोग जा रहे हैं और ये है यश भाई राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड मेरे फई है और मेरी सिस्टर, दिखाता हूँ। ये देखो, कहीं भी जाओ सो ही जाती है। तो ये राइट हैंड साइड पे आप जो ट्रैफिक देख रहे हो वो 3 से 4 किलोमीटर का है और ये सिर्फ है खड्डों की वजह से। इतने खड्डे हैं ना भाई ये हाईवे पे। तो गाइज अभी तो हम चिकली के आगे कहीं पे आए हैं। चिकली चिकली है और उसके आगे हम आए, तो एक ब्रेक लिया है होटल में, तो थोड़ा स्ट्रेचिंग करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से फिर से मुंबई के लिए। तो गाइज ये कुछ होटल है। अब इसका खाना वाना तो मैंने ट्राई नहीं किया पर दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। पार्किंग की फैसिलिटी भी है और भाई साहब वो देखो सामने दिख रहा है जाम, अभी तक नहीं ओपन हुआ, लगभग 10 से 12 मिनट हो गए पर ये जाम ख़त्म होने वाला नहीं है। मानसून में तो वसूल है गाइस, रोड ट्रिप मतलब करनी ही चाहिए पर खड्डे इतने हैं ना कि रोड ट्रिप की पूरी वाट लग जाती है, हर 2 मिनट पे खड्डे। फाइनली गुजरात चेक पोस्ट चली गई और महाराष्ट्र चेक पोस्ट भी चली गई है, तो अब हम महाराष्ट्र में एंटर हो गए। तो महाराष्ट्र में घाट्स आएंगे तो आपको नज़ारे भी बहुत ही बढ़िया दिखने वाले हैं। गाइज ये घाट्स चालू हो गए और भाई नज़ारा देखो, एक तरफ बारिश एक तरफ हरियाली और क्या ही रोड, तो बहुत ही अमेजिंग है। भाई लोग बारिश इतनी तेज हो गई है कि कुछ दिख नहीं रहा, एकदम जीरो विजिबिलिटी है, पर भाई सीन्स मतलब बहुत ही बढ़िया सीन है और क्या ही सीन भाई, मतलब पर रोड इतना ख़राब है ना, हर 2 मिनट में खड्डा आता है तो स्पीड की पूरी वाट लग जाती है पर नज़ारे बहुत बढ़िया है। ये सामने आपको दिख रहा है पहाड़, क्लाउड्स, ये कैमरे में जस्टिस नहीं होगा पर ये हेवन रोड कह सकते हैं भाई। एक बार मानसून में अगर आप मुंबई गए हो तो आपको भी ये रोड देखने को मिला होगा भाई, एकदम हेवन जैसा। कैमरे में कुछ भी जस्टिस नहीं कर पा रहा है पर बहुत ही बढ़िया है। फाइनली घाट्स तो क्रॉस कर दिए पर सीन्स अभी ख़त्म नहीं हुए, बहुत ही बढ़िया सीन्स आ रहे हैं भाई, एकदम मानसून तो वर्थ हो गया ये ट्रिप भाई। तो फाइनली गाइज हम मुंबई के बहुत ही नज़दीक है और यहाँ पर एक फूड हब है, उधर हम रुके, दिखाता हूँ कौन सा है।
ये कोई फूड हब है। और भाई नज़ारा देखो यार, नज़ारा ये देखो, 3x में आपको दिखाता हूँ, देखो ये नज़ारा देखो भाई, क्या ही नज़ारा है। मौसम बहुत ही बढ़िया है। मैं पीछे बैठा हूँ गाइस कार में, क्योंकि मेरे फई है, मैं पीछे बैठा हूँ कार में क्योंकि मेरे फई है, उनको कनाडा जाने के लिए हम छोड़ रहे हैं एयरपोर्ट तक, तो इसलिए वो आगे बैठे हैं। तो बहुत ही बढ़िया नज़ारा नहीं दिख रहा है, पर जो भी दिख रहा है बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। तो लाइक कर देना अगर आपको व्यू अच्छा लगा हो। तो गाइस अगर आप भी फैमिली के साथ आ रहे हो तो यहाँ आ सकते हो, रुक सकते हो। मुंबई जा रहे हो तो वॉशरूम एकदम नीट एंड क्लीन है और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, मैकडोनल्ड्स सब कुछ। गाइस मुंबई में इतना पानी भर गया है कि देखो रोड दिख ही नहीं रहा, पूरा पानी से कवर हो गया है, हर तरफ पानी पानी। रोड की कंडीशन बहुत ही खराब है, पानी भर गया है, बहुत ही सिचुएशन खराब हो गई है गाइस। तो गाइस ये वीडियो मैं इसलिए बन रहा हूँ क्योंकि ये है फर्स्ट पार्ट। तो ये आपने देखा गुड साइड ऑफ मुंबई, और अब आप देखने वाले हो वर्स्ट साइड ऑफ मुंबई, क्योंकि भाई नेक्स्ट पार्ट खतरनाक होने वाला है, फुल ऑफ एडवेंचर है, फुल ऑफ थका देने वाला ट्रिप था ये। मतलब हमको स्टार्टिंग में लगा बहुत ही बढ़िया सीन्स है, और फिर जो सीन हमको दिखने वाले हैं वो आपको दिखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।